ऑडियो जंगल खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां सरौली गौसपुर कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के बरदरी गांव में विवाद सुलझाने गए राजस्व कर्मियों पर प्रधान के समर्थकों ने हमला बोल दिया। लेखपाल और कानूनगों को जमकर पीटा, जिसकी सूचना मिलते ही लेखपालों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आनंद फानन में कोतवाली बदोसराय पहुंचे उप जिलाधिकारी सुरेंद्र पाल विश्वकर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ मौके का निरीक्षण किया और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए। उधर बरदरी गांव की सैकड़ों महिलाओं ने भी जमकर हंगामा काटा, तो पुलिस ने किसी तरह समझा बुझा कर घर भेज दिया। बाराबंकी जनपद से अनिल कनौजिया की रिपोर्ट। कैसे, क्या मामला? मैं उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर अपने राजस्व निरीक्षक कहने पर वहां पे दो लेखपालों के साथ गया। चकमार की पेमेंट मेरे द्वारा पहले की जा चुकी थी। उस चक्रोड को वहाँ का प्रधान जो दबंग शिवा मिश्रा, वो बहुत बड़ा दबंग है, अपने को बिल्कुल राणा सांगा मानता है। उसने चक्रोड 4 मीटर पटवाना शुरू किया। किसान वहाँ विरोध कर रहे हैं, किसान तमाम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। पुनः हमको जो है वहाँ भेजा गया। हमारी टीम राजस्व की आती है, फोर्स हमारे साथ नहीं पहुँच पाई, चूँकि हम फोर्स नहीं ले पाए। कानगो साहब थोड़ा सा चूक गए और वहाँ हम लोग पहुँचते ही कानगो साहब ने जैसे कहा काम रोको, वहाँ पर शिवा मिश्रा के सहारे पर तुरंत हम लोगों पर हमलावर हो गई पब्लिक और महिलाएँ, उसकी माँ बहन, उसके परिवार के लोग और लोग गाँव के, वो सर गुड़िया गुड्डा तक हमको पीट डाले, लाठी डंडा, यहाँ तक कि शिवा मिश्रा ने तो अवैध तमंचा भी निकाला, फायर किया। वो तो कहो बाल बाल हम लोग किस्मती से बच गए। ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे सरकारी सेवाएं कर पाएंगे? और हम क्या बताएं, कोतवाल में कोतवाल साहब के अंदर बैठा हूँ, जब तक तहरीर नहीं देंगे तब तक हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। मेरा हाथ भी फ्रैक्चर है, मैं 1 घंटा बेहोश पड़ा रहा। हमारे कानगो साहब हमको गाड़ी में लाद के लेके आए। ऐसी स्थिति में प्रशासन अगर सही दिशा में नहीं काम करेगा, ऐसे ही गाँव के गुंडे हम लोगों को काम नहीं करने देंगे।